सब्सक्राइब करें डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मवेशी में होने वाले बीमारी रेड वाटर के बारे में, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें मवेशी लाल पेशाब करने लगती हैं। इसका हम इलाज बताएंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आगे किसी भी बीमारी का वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। इस बीमारी में टम्परेचर यानी बुखार 103 डिग्री से लेकर 108 डिग्री तक रहती है। मवेशी का पेशाब जो है यानी मूत्र लाल कलर के नहीं तो चॉकलेटी कलर, कॉफ़ी कलर में भी रहती है। इस बीमारी में भूख तो बहुत न के बराबर, खाना समझिए तो बिल्कुल नहीं खाती है। कोई कोई मवेशी थोड़ा बहुत खा भी लेती है, पाज भी बंद कर देती है। बीमारी बेवेसिया बोविस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए बताते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है। इलाज सही से देखिए और सही से इसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। पहला जो इंजेक्शन है ठीक से देखिए, बर्नील जो कि MST कंपनी का आता है। एक कुंटल मवेशी अगर है तो 10 ml दीजिए, 2 कुंटल है तो 20 ml और 3 कुंटल है तो 30 ml मांस में देना है डीप अंदर तक। दूसरा जो इंजेक्शन है मॉक्सल LMB कंपनी का आता है। अगर 3 कुंटल का मवेशी है तो 3 ग्राम, 2 कुंटल है कहे तो 2 ग्राम, अगर 1 कुंटल है 1 ग्राम। उसके बाद टम्परेचर है तो टम्परेचर के लिए एक आता है निमोसलाइट पैरासीटामोल कंपोजिशन का डोलोबिन प्लस। 1 कुंटल मवेशी है तो इसको 7 ml दीजिए, 2 कुंटल है तो 14 ml और 3 कुंटल है तो 20 ml। इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि जो बर्नीन नामक इंजेक्शन है MST कंपनी का, ध्यान से देख लीजिए, बर्नील है ये जो इंजेक्शन है मवेशी को देने के बाद 72 घंटा तक के लिए ये इंजेक्शन नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मवेशी का मृत्यु होने का डर रहता है 72 घंटा तक के। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कैसा लगा।